हेलो गाइस वेलकम टू फॉर सैलरी चैनल और इस वीक के वीडियो में आपका स्वागत है इस वीक के वीडियो में आपके साथ ट्रेडिंग व्यू के बारे में बात करूंगा क्योंकि काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉमन क्वेश्चंस हैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि कौन सा चार्ट यूज करें कौन से ब्रोकर का चार्ट यूज करें हम जो ब्रोकर यूज करते हैं उसका चार्ट अलग है ट्रेडिंग व्यू में चार्ट अलग है और भी बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन हैं और बेसिक चीजें तो इस वीडियो में मैं सभी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा आप, आपको सभी ब्रोकर के चार्ट दिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू में क्या क्या फर्क है क्या प्राइस में फर्क है कौन सा यूज करना चाहिए कौन सा नहीं यूज करना चाहिए सारा कुछ यहाँ पर मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा भले ही आप बिगिनर हो या एडवांस हो ट्रेडिंग व्यू के बारे में आपको कुछ नई चीजें जरूर मिलेगी तो चलिए चलते हैं वीडियो में तो गाइज यहाँ पर हमें ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जो कि मोस्टली कॉमन यूज होता है सभी एनालिसिस के लिए फॉरेक्स हो या स्टॉक हो जो भी आप यूज करना चाहें तो यहाँ पर जो कॉमन क्वेश्चन है जो आते रहते हैं और बहुत कॉमन डाउट रहते हैं कि कौन सा चार्ट यूज करें कौन से टाइम में यूज करें डार्क थीम पिप्स Screener, -Line, तो इस तरीके की सभी क्वेश्चन में मैं, मैं पर आंसर करने की कोशिश करूंगा और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर किसी वीडियो में वो कंबाइन है कि कैसे इसको यूज करना चाहिए उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली बताऊंगा कि अगर आप पहली बार इसको यूज कर रहे हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन जो आता है कि कौन सा चार्ट यूज करें मैं जो ब्रोकर यूज करता हूं उसका चार्ट ट्रेडिंग व्यू से मैच नहीं करता तो ब्रोकर मेरे साथ प्ले कर रहा है ब्रोकर मेरे को फेक प्राइस दे रहा है ऐसा कुछ नहीं है देखिए क्या होता है फॉरेक्स सेंट्रलाइज मार्केट नहीं है तो जितने भी ब्रोकर्स हैं वो सबके प्राइस अलग रहेंगे सबके सोर्सेज अलग रहेंगे ट्रेडिंग व्यू में एक ब्रोकर नहीं है तो यहाँ पर काफी ब्रोकर है ट्रेडिंग व्यू कोई एक ब्रोकर नहीं है जो प्रोवाइड करता है प्राइसेज आपको यहाँ पर काफी सारे ब्रोकर है जो एक साथ हैं और सबके प्राइस अलग अलग हो सकते हैं मेन बात ये है कि प्राइस के डिफरेंस के लिए चार्ट के डिफरेंस के लिए प्राइस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा एक दो या तीन पिप्स इतना फर्क या चार्ट का थोड़ा पैटर्न का डिफरेंट हो सकता है बाकी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा आप कोई सा भी ब्रोकर यूज कर सकते हैं प्राइस में आपको ज्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस हाँ फोर आवर की कैंडल थोड़ी डिफरेंट फॉर्म हो सकती है डेली की कैंडल थोड़ी डिफरेंट फॉर्म हो सकती है मेन मैटर जो आपका है कि प्राइस आपका सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है तो वही चीज मैं आपके साथ यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा मैं यहाँ पर पेयर्स एड करता हूँ यहाँ पर इस पेयर्स को मैं रिमूव कर देता हूँ हम यूरो यूएसडी को एड करते हैं तो अगर मैं यूरो यूएसडी यहाँ पर टाइप करूँ तो आप देखेंगे कि जितने भी ब्रोकर हैं ट्रेडिंग व्यू में कितने ब्रोकर हैं सभी के प्राइस यहाँ पर आ जाएंगे तो ये नहीं कि इसका प्राइस अलग होगा इसका अलग होगा सबके प्राइस ऑलमोस्ट सेम होंगे थोड़ा बहुत फर्क होगा वो हम देखेंगे तो मैं इन सभी को ऐड करता हूं जैसे कि एफ एक्ससीएम डा फोर एक्स आईडीसी कैपिटल एक्सो ग्लोबल प्राइम इजी मार्केट एट कैप स्के सभी प्राइस हमने यहाँ पर एड कर ली है अब अगर जस्ट आप स्क्रीन को ही यहां पर चेक करें कि क्या प्राइस चल रहा है देखिये सभी में मोस्टली सेम प्राइस चलेगा थोड़ा बहुत फर्क मिल सकता है यहाँ पर थ्री टू सेवन थ्री टू एट थ्री टू एट थ्री टू फाइव यहां पर देखिए थ्री टू नाइन थ्री 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 टू एट और यहाँ पर थ्री थ्री टू थ्री यहाँ पर देखिए और थोड़ा ज्यादा डिफरेंस मिल गया है आपको और यहाँ पर देखिए ये कंप्लीटली डिफरेंट है वन पॉइंट वन टू सेवन थ्री थ्री तो ये टोटली डिफरेंट चल रहा है जो आप कहेंगे कि ये देख सकते हैं करंसी डॉट कॉम में यहाँ पर बिल्कुल ही तो ये आपको देखना होगा कि कौन सा प्राइस जो है आपका ब्रोकर का यहाँ पर मैच करता है तो मोस्टली देखिए 90% परसेंट सभी का प्राइस सेम चल रहा है 1.3326 से 33 के बीच में जस्ट एक ब्रोकर में आप देख सकते हैं 1.127 के आसपास चल रहा है तो ये चीजें देखने की है तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ब्रोकर का प्राइस अच्छा है ऐसा ब्रोकर का प्राइस अच्छा है तो जस्ट आप ऐसा प्राइस ऐसा ब्रोकर यूज करिए जो 90 परसेंट इस कैटेगरी में फॉल करता हो ना कि इस कैटेगरी में फॉल करता हो तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अब अब आप कहेंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कौन सा प्राइस है कौन सा नहीं यूज करना चाहिए तो यहाँ पर मैं आपको दो ब्रोकर को कंपेयर करके दिखाना चाहूंगा हम फोर आवर के चार्ट में है ये पेपर ये ले लेते हैं हम यहाँ पर पहला जो ब्रोकर है एफ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एफ का ब्रोकर का प्राइस आ गया मैं इस इंडिकेटर को यहां से हटा देता हूं ये जितने भी इंडिकेटर आ रहे हैं इस तरीके से ओके और यहां पर हम बाकी ब्रोकर के प्राइस को कंपेयर करेंगे तो मैं यहां पर दो विंडो आपको दिखा रहा हूं तो ठीक है तो यहां पर एफ एक्सियम का प्राइस फोर आवर के चार्ट में है इसको भी हम रिमूव कर देते हैं और यहां पर है ओंडा का प्राइस अब देखिए चार्ट बिल्कुल सेम है कुछ ज्यादा फर्क नहीं है पर मैं कहूंगा अगर आप गौर से देखेंगे तो थोड़ा बहुत फर्क आपको मिलेगा ही मिलेगा यहां पर आप देखिए ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद एक ग्रीन कैंडल छोटी सी और डोजी और फिर रेड यहाँ पर देखिए दोनों रेड कैंडल बन रही है तो ये इस तरीके से आप डिफरेंस मिल सकता है पर प्राइस का डिफरेंस नहीं हुआ क्योंकि कि किसी का फोर आवर डिफरेंस हो सकता है मेरा फोर आवर डिफरेंस हो सकता है कोई ये वाले चार घंटे ले रहा है कोई वो वाले चार घंटे ले रहा है तो इस तरीके से आपको डिफरेंस आएगा पर अल्टीमेटली जो प्राइस है वो थ्री टू फाइव यहाँ पर थ्री टू एट सेम चलेगा तो ऐसा ये मैं सोचिए कि ब्रोकर मेरे को फेक प्राइस दे रहा है ऐसा कुछ तो ये डिपेंड करता है कि कौन से सोर्स है उनके पास तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर हमें एफ एक्स को देखा ऑन डागा थोड़ा बहुत कैंडल का डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं मिलेगा अगर आप देखें फोर को तो यहाँ पर देखिए ग्रीन रेड यहाँ पर दोनों रेड अगेन उसी तरीके से बन रही है प्राइस जो यहाँ पर आप देखिए थ्री टू नाइन चल रहा है यहाँ पर थ्री थ्री जीरो चल रहा है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर भी आपको मिलेगा और ये देखिए ये कैंडल यहाँ पर बनी और दूसरी कैंडल यहाँ पर बिल्कुल टेल बार बन रहा है यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक रेड कैंडल और उसके बाद सीधा डाउन तो इस तरीके से डिजाइन में आपको फर्क मिलेगा ही मिलेगा फिर आगे चले देखें आईडीसी का देख सकते हैं आईडी आईडीसी में देखिए ग्रीन रेड यहाँ पर बिल्कुल रेड रेड पर दोनों डोजी की तरह से बिहेव कर रही है प्राइस में देखिए थ्री वन फोर्टीन तो ये थोड़ा सेम चल रहा है आपका इसके बाद देखिए ये वाला प्राइस देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही रेड और उसके अंदर ही ये वाली कैंडल बन रही है यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट है तो ये डिफरेंट डिजाइन इस तरीके से मिलेंगे ही आपको ऐसा आप ब्लेम नहीं कर सकते कि ये अच्छा है या ये बेकार है आप आगे देख सकते हैं आपको डिजाइन में बिल्कुल और ज्यादा भी फर्क मिलेगा पर हमें जो मेन कंसर्न है वो प्राइस का है क्या प्राइस हमें सेम मिल रहा है या नहीं आप डिजाइन पे ज्यादा मत देखिए आप डिजाइन जो भी फॉलो करना चाहें जहां से भी जिस ब्रोकर का और उसके बेस पे फिर आप एंट्री ले सकते हैं आप यहाँ पर डिजाइन ले एंट्री ले और किसी भी ब्रोकर में ऑर्डर प्लेस करें वहां पर कुछ चाहे अलग ही कैंडल बन रही हो पर प्राइस सेम होना चाहिए मेन मैटर ये करता है आपका देखिए तो ये सेक्सो बैंक का है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद देखेंगे हम ग्लोबल प्राइम का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल बन रही है दो ग्रीन कैंडल बन रही है एक साथ और जो बड़ी कैंडल बन रही है किसी और में इस तरीके से बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी यहाँ पर देखिए अगर आप देख पा रहे हैं मैं इसको जूम करता हूं जो भी इंडिकेटर आ रहे हैं इसको हटा देता हूं ताकि आप देख सकें ये देखिए ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पर कितनी छोटी सी ऊपर की तरफ विक है यहाँ पर कितनी बड़ी विक है और उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल कितनी बड़ी है और ये कितनी छोटी और रेड तो इस तरीके से यहाँ पर भी फर्क है आगे इजी इजी मार्केट मार्केट में डिजाइन ही आपको अलग मिलेगा पर बात वही है प्राइस सेम है या नहीं यहाँ पर प्राइस दोनों में सेम चल रहा है पर यहां पर देखिए ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ बन रही है यहाँ पर रेड बन रही है तो डिपेंड करता है वही कि फोर आवर के कौन सी फोर आवर वो ले रहे हैं ये फोर आवर कोई और ले रहा होगा प्राइस सेम ही होगा यहाँ पर देखिए प्राइस यहां तक गया यहाँ पर भी प्राइस वहाँ तक गया देखिए 600 तक दिखा रहा है यहाँ भी 600 तक गया पर जो दूसरी अगर उनका फोर आवर डिफरेंस होगा तो वो अलग कैंडल बनेगी तो देखिए यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट प्राइस आ रहा है इसी तरीके से यहाँ पर ये यह जो प्राइस है आप मेरे ख्याल से आपको एक्सनेस ओक्टाफेक्स इसमें मिलेगा तो आप इजी मार्केट या एक और ब्रोकर है आप उसका देख सकते हैं तो आप कहेंगे कि मेरा प्राइस जो है वो डिजाइन वो डिफरेंट दिखा रहा है वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि उनका प्राइस बेकार है सोर्स अलग हो सकते हैं यहाँ पर प्राइस सेम ही है थ्री थ्री जीरो के आसपास ये बस कैंडल डिफरेंट फॉर्म हो रही है क्यों क्योंकि डिफरेंट फोर आवर्स हैं मैं यहाँ पर मान लीजिए वो ले रहे हैं नौ बजे से एक बजे तक का यहाँ पर मान लीजिए वो ले रहे हैं ग्यारह बजे से तीन बजे तक का तो वो चार कैंडल डिफरेंट हो जाएंगी डिफरेंट टाइम फ्रेम हो जाएगा तो इसी वजह से आप यहाँ देखिए कंप्लीटली डिफरेंट कैंडल बन रही है पर प्राइस सेम है आगे देखिए ये वाला आपका एट कैप का है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी देखिए कितना ये थोड़ा डिफरेंस दिखा रहा है आप देखें यहाँ पर ये वाला डिफरेंस है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एफ एक्सम बेटर है मैं जस्ट कंपेयर कर रहा हूँ एक ब्रोकर को बाकी ब्रोकर को आप कोई भी ब्रोकर ले लीजिए किसी भी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं मैं यहाँ पर सेक्सो को ले लेता हूँ और आगे हम यहाँ पर देखें अगर हम इसको ले अलग ब्रोकर आप देख सकते हैं एफ एक्स ओपन कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा कुछ या फिर सेम मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं कि फर्क होगा मोस्टली ज्यादातर सेम रहेंगे थोड़ा बहुत फर्क आपको मिल सकता है यहाँ पर देखिए ये अः डब्ल्यू एच सेल्फ इन्वेस्ट ये डिजाइन अलग है जो इजी मार्केट की तरह है, तो ये जो चार्ट्स हैं आप देख सकते हैं एक्सनेस ऑक्टाफेक्स या बाकी ब्रोकर्स में जो भी आप यूज करते हैं तो वहां पर ये इस तरीके से डिजाइन मिलेगा बात वही है प्राइस सेम होगा तो आप इसमें मैटर मत कीजिए आप इसके बेस पे अगर आप यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं कोई भी सेक्स हो या कोई भी और और उसके बेस पे एंट्री ले रहे हैं आप भले ही एक्सनेस में ले लीजिए प्राइस आपको सेम मिलेगा आप ये मत कीजिए कि यहाँ पर तो बनी है और मेरे को स्टॉप आउट कर दिया वो जिस डिजाइन का फर्क है कि डिपेंड करता है कौन से फोर आवर्स है जैसे मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ और आगे देख सकते हैं पेपर स्टोन का वो भी अलग दिख रहा है या कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा यहाँ पर देखिए वही टेल बार यहाँ पर टेल बार नहीं है किस तरह की कैंडल बन रही है तो थोड़ा बहुत डिजाइन में कहीं ना कहीं ये आपको फर्क मिलेगा ही मिलेगा ये आ गया आपका ब्लैक बुल का तो इस तरीके से आप देखिए कितने ब्रोकर हैं यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ब्रोकर हैं और पंद्रह में देखिए प्राइस भी थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा ही रहेगा जस्ट एक ब्रोकर में मैं देख रहा हूँ जो की है आपका करेंसी डोटका उसमें थोड़ा डिफरेंट ही प्राइस चल रहा है नहीं तो आप देखिए बाकी में सभी में सेम प्राइस चल रहा है तो आप प्राइस वाइज ये मैं सोचिए कि वो ब्रोकर मेरे को गलत प्राइस दे रहा है आपका प्राइस हमेशा मैच करना चाहिए दूसरा क्वेश्चन आता है कि टाइम के लिए कि मैं क्या अपना टाइम सेट कर सकता हूँ बिल्कुल आप अपना टाइम सेट कर सकते हैं यहाँ पर जाइए देखिए ये टाइम का सेक्शन होता है यहाँ पर जो भी टाइम आप सेट करना चाहें मैं ए, कोई भी टाइम ले सकते हैं पर उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है मेरे लिए ये चीज मैटर नहीं करती है पर क्वेश्चन आया तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा आप कहें कि मैं अपने टाइम के हिसाब से देखना चाहूंगा तो आप यहाँ पर अपना टाइम सेट कर सकते हैं जो हमारा टाइम है आपका कोलकाता यहाँ पर दिखाना चाहिए ये देखिए ये कोलकाता का है तो यहाँ पर ये कोलकाता के हिसाब से आपको दिखाएगा तो हमारा इंडियन टाइम यहाँ पर देख सकते हैं या आप जो भी कंट्री में जिस कंट्री में भी है उस कंट्री के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइम भी सेट कर सकते हैं दूसरा क्या हम थीम कलर चेंज कर सकते हैं बिल्कुल चेंज कर सकते हैं अगर यहाँ पर आप जाएं आप ये देखिए डार्क कलर थीम चेंज कर सकते हैं जो आपके आईज के लिए बेटर रहेगा आप इस तरीके यह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं फिर मेन जो क्वेश्चन आता है कि हम पिप्स कैसे कैलकुलेट करें कैसे पिप्स कैलकुलेट करना चाहिए क्या मुझे कुछ वेबसाइट यूज करनी है कुछ यूज करना है यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक फॉर्मेट है जो आप यूज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया लॉन्ग शॉर्ट पोजिशन के लिए अगर आप बाय कर रहे हैं मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ तो आप

इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो कितने पिप्स बन रहे हैं आपके अगर मैं इसको और ऊपर लगाऊं 54 पिप्स लास्ट की डिजिट जैसे मैंने बोला वो छोड़ दीजिए और 130 पिप्स का प्रॉफिट रिस्क टू रिवॉर्ड 2.39 तो इस तरीके से आप रिस्क टू रिवॉर्ड अपने पिप्स की वैल्यू अपने पिप्स कितने कैलकुलेट हो रहे हैं आपको माइनस बार बार इस डिजिट में से इस डिजिट को माइनस करने की जरूरत नहीं रहेगी कि बिड प्राइस में से आज प्राइस को माइनस करें तो फिर एक और कॉमन क्वेश्चन आता है क्या कोई फॉरेक्स स्क्रीनर है जो हम यूज कर सकते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट में स्क्रीनर होते हैं वो यूज करते हैं तो क्या फॉरेक्स में भी देखिए मैं यूज नहीं करता हूँ पर यहाँ पर आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और कोई वेब भी यूज कर सकते हैं जो यूज करना चाहें अब देखिए यहाँ पर ये फॉरेक्स स्क्रीनर का एक कॉलम है अगर आप इस पे जाएं तो यहाँ पर सभी पेयर्स जो हैं वो आ जाएंगे और जो भी टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं उनके बेस पे वो आपको सजेशन करेंगे कि बाय करना चाहिए नेचुरल है या सेल करना चाहिए यहाँ पर आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज करना चाहें या कौन सा नहीं करना चाहते जैसे यहाँ पे ऑस्किलेटर है यहाँ पर परफॉर्मेंस के बेस पे फिर आप दिखाएगा कि कितनी परफॉर्मेंस चेंज हुई है कितनी वॉलिटिलिटी है अ uh, ओवरव्यू फिर बताएगा कि क्या लास्ट प्राइस है चेंज आज बिड सो ट्रेंड फॉलोइंग के बेस पे तो क्या फिर uh, जो मूविंग एवरेज है आप यहां पर देख सकते हैं कि 250 उसके बाद क्या डिसीजन है देखिए यहां पर बाई सेल जो मूविंग एवरेज के बेस पे होगा ट्रेंड फॉलोइंग के बेस पे और ये जो ऑस्किलेटर के बेस पे होगा जो बाकी इंडिकेटर है जैसे आर मैगडी एडीएक्स uh, उसके बेस पे क्या सिग्नल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप कैंडल टाइम यूज कर सकते हैं जो आप यूज करना चाहें फोर आवर डेली उसके बेस पे फिर वो सेटिंग आ जाएगी तो अब ये डेली का दिखाएगा उसके बाद आप मेजर पेयर में देखना चाहते हैं एक्सॉटिक माइनर जो भी देखना चाहते हैं आप अलर्ट लगाना चाहते हैं अलर्ट लगा सकते हैं पर इनेबल और क्या आप किस तरीके से पेयर ऑल टाइम जो 52 oversold, या किसी भी और तरीके की कंडीशन वो यहाँ पर आप लगाना चाहें वो कर सकते हैं तो सभी चीजें यहाँ पर पॉसिबल है आप अपनी तरीके से इसको एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं कुछ नई चीजें एड करना चाहें कर सकते हैं तो इस तरीके से आप फॉरेक्स स्क्रीनर को यूज कर सकते हैं जो भी यहां पर फिर उसकी कंडीशन है आप अपनी उससे मैच कर सकते हैं आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप इसको अपने एक्सेल में डाउनलोड करना चाहें तो वो कर सकते हैं तो इस तरीके से आप फॉरक स्क्रीनर या फिर अदर वेबसाइट इन्वेस्टिंग डॉट कॉम है, है और, और भी है मैं मैं जैसे मैं यूज नहीं करता हूं तो इसलिए मैं आपको यहां पर बताऊंगा नहीं कि इनके बेस पे आप ज्यादा विश्वास करें पर अगर आप इसको कंबाइन करना चाहते हैं अपनी स्ट्रेटजी के साथ तो आप इससे यूज कर सकते हैं डेफिनेटली अगर आप एक एक्स्ट्रा लेयर लगाएंगे तो आपको एक बेनिफिट मिलेगा फिर एक और क्वेश्चन आता है कॉमनली कि क्या हम अपनी स्ट्रेटजी को कैसे टेस्ट कर सकते हैं क्या स्क्रिप्ट ट्रेडिंग व्यू में यूज कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर देखिए मैं नहीं यूज करता हूँ तो मैं ज्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ जस्ट यहाँ पर आप देखिए स्ट्रेटेजी टेस्टर जो भी चीजें हैं आप यहाँ पर कर सकते हैं इंडिकेटर पाइन एडिटर में जाइए और वहां पर सब कुछ आप अपनी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर ये यह पाइन एडिटर है यहाँ पर जो भी आप स्क्रिप्ट लगाना चाहें आप इसमें एक्सपर्ट हो तो कर सकते हैं मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं तो ज्यादा कुछ नहीं गाइड कर पाऊंगा पर यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं तो स्क्रिप्ट का ऑप्शन है आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सकते हैं उसके बाद अपने क्वेश्चन की हम क्या ये चार्ट को सेव कर सकते हैं बिल्कुल आप यहां से चार्ट को सेव कर सकते हैं आप ये इस चार्ट की इमेज को सेव कर सकते हैं आप कॉपी कर सकते हैं चार्ट को आप ये लिंक या आप ट्विट कर सकते हैं या आप अपनी इमेज को नई टैब में खोल सकते हैं तो आप उसको फ्यूचर में उसके ऊपर ड्राइंग जो भी करना हो उस तरीके से कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो भी आपने ट्रेड लिए हो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं मैंने एक ट्रेड मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ आई रिकॉर्ड माई स्क्रीन उसमें ट्रेलो के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था वो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैं इमेज को ले जाता हूँ करता हूँ ताकि मैं इन फ्यूचर जाके कभी मेरे को ट्रेड ट्रेड देखने हो कि मैंने क्या ली है, वो आप उस तरीके से देख सकते हैं बाकी बेसिक चीजें हैं जो मैं यहाँ आप पर आपको बताना चाहूंगा जो बेसिक चीजों के लिए आपको पेयर कैसे ऐड करना है सीधा क्लिक कीजिए जो भी पेयर आपको ऐड करना है आप यहाँ पर जीबीपीएसडी लिखिए जोन से भी ब्रोकर को आपको यूज करना है उसको क्लिक कीजिए और वो पेयर आपका यहाँ पर हो जाएगा देखना चाहे। आप बार्स का देखना चाहे। तो वो, वो कैंडल्स यूज होती हैं या फिर हॉल जिस तरह के आप यूज करना चाहें रैंको चार्ट या हाईने की ये बहुत सारी चीजें आप देखिए तो मोस्टली आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है सिंपल आप कैंडल्स यूज कीजिए जो मोस्टली पॉपुलर पैटर्न है वो यूज कर सकते हैं उसके बाद आप इंडिकेटर यूज करना चाहें जो भी इंडिकेटर लगाना चाहें तो यहाँ पर अगर मैं मूविंग एवरेज टाइप करूँ तो आप मूविंग एवरेज को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तो आप देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पर ऐड हो गई है मैं आर एस आई को ऐड करना चाहूँ तो आर एस आई एड हो जाएगा या फिर तो आप देखिए यहाँ पर आर एस आई एड हो चुका है मूविंग एवरेज ऐड हो चुकी है सभी की सेटिंग जो भी आप सेटिंग है आप सेटिंग में जाए आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से मूविंग एवरेज की सेटिंग किस तरीके का कलर आपको लगाना है किस तरीके की सेटिंग करनी है हमें कोई ट्वेंटी वन करनी है आप इसको ट्वेंटी वन कर सकते हैं आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं आप इसका कलर बढ़ा सकते हैं देखिए इस तरीके से जो भी आप कलर देंगे उस तरीके से ये चेंज हो तो हर एक इंडिकेटर की सेटिंग आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं आप उन्हें हाइड कर सकते हैं आपको जरूरी नहीं कि बार बार रिमूव करना जस्ट मैंने यहाँ पर हाइड कर दिया तो मुझे मेरे को अगर ये बॉर्डर कर रहा है जस्ट दोबारा से देखना हो मैं इसको अनहाइड कर देता हूं तो आपको बार बार ऐड या रिमूव करने की जरूरत नहीं है आप सीधा हाइड कर सकते हैं आप भले ही अगर आपने कुछ यहाँ पर ड्राइंग लगा दी है जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक चैनल लगाया है यहाँ पर मैंने अपनी पूरी सेटिंग लगा दी है इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ सारा कुछ बाईस सेल का ऑप्शन लगाया हुआ है और बाद में आप देखना चाहेंगे कुछ मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है। क्या मैं इसको देख सकता हूँ बिना इसको दोबारा रिमूव करे और बार और बार दोबारा इसको मैं ऐड कर सकता हूँ ऐसा बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए हाइड ऑप्शन है इसको लगाइए आप देख सकते हैं क्लीन चार्ट आपको दिखेगा बाद में आप अपनी ड्राॅइंग चाहते हैं जो आपने करी है आप इस पर क्लिक कीजिए दोबारा आ जाएगी तो आपको ये नहीं कि सारा कुछ हटाने की जरूरत नहीं है अगर आपको एक साथ सब कुछ हटाना है आप डिलीट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से सारा कुछ हट जाएगा अब ये दोबारा वापस नहीं आएगा पर यहाँ से आप दोबारा उसको देख सकते हैं फिर उसी तरीके से इंडिकेटर की हमने बात की ज्यादा आपको यहाँ पर अलर्ट लगा सकते हैं अगर आपको अलर्ट लगाना है कि कौन से पेड़ में मेरे को यहाँ पर अलर्ट करना है जैसे ही प्राइस यहाँ पर पहुंचे तो आप यहाँ पर देखिए प्राइस का दिखा रहा है वो पॉप अप दिखा है क्या टाइम है कोई भी लाइन आप इंडिकेटर लगा सकते हैं कि मेरे को जैसे ही वो इस लाइन पे जाए इसी लाइन पे अगर मैं राइट क्लिक करूं तो आप अलर्ट लगा सकते हैं ओनली वंस वन बार पर मिनट जिस तरीके से भी वो आप यहाँ पर आपको फिर अलर्ट क्रिएट हो जाएगा देखिए यहाँ पर ये अलर्ट का साइन आ रहा है तो इस तरीके से आप बाई डिफॉल्ट जो बेसिक वर्जन है उसमें दो अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप स्क्रीन पर नहीं है आपको अलर्ट मैसेज मेल जो भी आप करना चाहें या फिर एक साउंड की ऑप्शन आएगी उसी तरीके से वो आपको दिखाएगा फिर यहाँ पर आप चार्ट कैसे देखना चाहें बेसिक वर्जन में आपको केवल एक ही स्क्रीन दिखेगी बाकी वर्जन में आप एडवांस स्क्रीन देख सकते हैं मैं नहीं कहूंगा कि आपको एडवांस बाई करने की जरूरत है यहाँ पर बाकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं जो भी आप बैकग्राउंड विथ कलर सारा कुछ यहाँ पर आप जा सकते हैं सिंबल में क्या कैंडल के कलर चेंज करने हैं तो ये सब आपको प्ले करना पड़ेगा मैं यहाँ पर डिटेल में आपको नहीं बताऊ पता चल जाएंगे। एक एक को करके क्या इफेक्ट बन रहा है क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है क्या हट रहा है अपीयरेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर विड कलर ये सारा कुछ अगर देखिए बैकग्राउंड में ग्रिड लाइन आ रही है आप इनको हटा सकते हैं जिसमें अगर इसे हटाऊ सीधा मेरे को व्हाइट लाइन करनी है अब देखिए बैकग्राउंड में अब सीधा व्हाइट आ रहा है कोई ग्रिड क्लर्न नहीं दिखाई दे रहा है जस्ट सिंपल व्हाइट तो इस तरीके से आप ये चीजें चेक कर सकते हैं इवेंट्स uh, कोई न्यूज दिखानी हो जो भी न्यूज आनी वाली हो तो वो न्यूज भी यहाँ पर दिखाएगा फिर अगर आप इसमें ये सब ऐड करेंगे या अर्निंग ब्रेक सारा कुछ आप देखिए इस तरीके से अभी जो भी न्यूज आने वाली होगी अब यहाँ पर न्यूज के लिए वो दिखाएगा कि ये न्यूज आने वाली है तो वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं तो आपको ये नहीं अलग अलग वहां पर जाना पड़ेगा किसी अलग प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ेगा तो ये सारी चीजें यहाँ पर है आप उसे सेव कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आप ब्रिक स्क्रीन में जा सकते हैं आप ये देखिए ब्रिक स्क्रीन में चले गए तो आप बड़ी स्क्रीन चाहते हैं सेव कर सकते हैं जैसे मैंने बोला पेर से आप ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पर आप चीजें देख सकते हैं जो चीजें आप लगाना चाहें किसको हटाना है ये सब चीजें यहाँ पर डिटेल में है यहाँ पर पेयर दिखते हैं इस तरीके से आप इस विंडो को हटा सकते हैं यहाँ पर अलर्ट जो भी आपने लगाए हुए हैं फिर यहाँ पर हेडलाइन जो भी न्यूज वगैरह है यूरो से रिलेटेड जो भी पेयर पर होगा उसकी न्यूज यहाँ पर दिखाई देगी आपको और उसके बाद फिर डाटा विंडो कुछ अलग यहाँ पर क्या है एक्सचेंज उसकी डिटेल आ जाएगी काफी चीजें हैं ये पूरा इकोनॉमिक कैलेंडर है जो जो जाने वाली है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको जो कम्युनिटी में चार्ट्स हैं वो पोस्ट करते रहते हैं वो भी आप देख सकते हैं मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको ज्यादा यूज करें यहाँ पर ये यह सब बातें करते रहते हैं अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं आप इसमें जाकर जा कर सकते हैं तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट की डेफ क्या है सारा कुछ ये सब चीजें हैं यहाँ पर जो आप अगर देखना चाहें तो वो सब आपको मिल जाएगी मेरे को एक और एक क्वेश्चन था यहाँ पर जो कॉमनली पूछा हुआ था कि जो मैगडी यूज करते हैं मेटा ट्रेडर फोर और मेटा ट्रेडर फाइव में एक ही लाइन आती है वहां पर दो लाइन नहीं आती है फिर मैं कहूंगा आप ट्रेडिंग व्यू यूज कीजिए ट्रेडिंग व्यू में दो लाइन आएंगी बाई डिफॉल्ट तो आप यहाँ पर मैगडी कैलेंडर मैगडी इंडिकेटर को अप्लाई कीजिए बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पर दो लाइन आएंगी आप देख सकते हैं इस तरीके से ये दो लाइन यहाँ पर चल रही है आप उनकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना चाहें बाय अब देखिए यहाँ पर मैंने जो अलर्ट लगा हुआ था यूरो यूएसडी पर वो यहाँ पर अब आ गया है और उसको दिखा रहा है और उसकी साउंड भी आ रही है तो इस तरीके से अलर्ट का भी आपको जो मैंने ऑप्शन बताया था वो आपको इंडिकेट करेगा यहाँ पर आप देखिए जो मैग्डिकी हम बता रहे थे जो सेटिंग आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं बाई डिफॉल्ट ही रहने दीजिए ज्यादा कुछ करने की चेंजेस करने की जरूरत नहीं है अगर आप इन डिटेल में जाना चाहते हैं आप कर सकते हैं और बाकी जो भी आप यहाँ पर लाइंस हैं उनको यूज करना चाहें उनके ऊपर फेवरेट कलर लगाएं तो ये फेवरेट टूल यहाँ पर ऐड हो जाएंगी तो जिस तरीके से मैंने बोला कि अगर मैं कुछ और चीज यहाँ पर फेवरेट में लगाना चाहूँ आप देखिए ये मैं ये चीज ऐड करूँ तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा फिर आपको बार बार यहाँ पर उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप सीधा यहाँ से लें और उसको ड्रॉ करें ठीक है ना उसको हटाना हो हटा दीजिए आप उस पर क्लिक करके हटा सकते हैं मैं इसी इंडिकेटर पे क्लिक करूंगा तो ये सब चीजें तो इस तरीके से गायजिए ट्रेडिंग व्यू का एक बेसिक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि काफी क्वेश्चन आ रहे थे कि कौन सा चार्ट यूज़ करें कौन सा टाइम पिप्स मैक ये सारा कुछ एक बेसिक वर्जन क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है कि एक वीडियो में मैंने कंबाइन बनाया हुआ है ट्रेडिंग में अगर आप नहीं उसको ढूंढ पा रहे हैं तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू के लिए डिटेल में यहाँ पर चेक कर सकते हैं तो आई होप आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी आप अगर बेसिक है अगर और और भी कोई क्वेश्चन आते हैं आप मुझे बता सकते हैं मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा या इन फ्यूचर अगर कुछ एडवांस चीजें अगर इसमें एड होती है मैं आपको बताऊंगा आप बेसिक वर्जन से यूज कर सकते हैं आपको एडवांस की यूज नहीं है मैंने काफी टाइम तक बेसिक यूज किया मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई जस्ट एक एड आती रहती है वो एड आपको हटानी

और एजुकेशनल वीडियो बनाता रहूं आपके लिए जो भी आपके कमेंट्स फीडबैक आती है उसके अनुसार आपको अच्छी गाइडेंस देता रहू तो थैंक यू गाइज टेक केयर गुड बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में